सिक्किम पुलिस ने शनिवार को नेपाल के खोतांग से कथित तौर पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में नेपाली यूट्यूबर उमा चामलिंग राय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी शीला राय नामक महिला द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर की गई है। शीला सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सदस्य है। यह गिरफ्तारी आगामी 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से राजनीतिक संलिप्तता के संदेह के साथ सिक्किम के निवासियों के बीच सांप्रदायिक हिंसा और आतंक फैलाने की एक कथित भयावह घटना से जुड़ी। पूर्वी सिक्किम के सदर थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार उमा चामलिंग राय पर विभिन्न समुदायों के बीच मतभेद को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने के कथित इरादे से सिक्किम में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। FIR में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक दल विभाजनकारी रणनीति के माध्यम से मतदाताओं को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उमा चामलिंग राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B और 505 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उमा की गिरफ्तारी के बाद सिक्किम पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो हिमालयी राज्य सिक्किम से बड़ी खबर है। सिक्किम पुलिस ने शनिवार को नेपाल के खोतांग से कथित तौर पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने के आरोप में नेपाली यूट्यूबर उमा चामलिंग राय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी शीला राय नामक महिला द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर की गई है। शीला सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सदस्य है। गिरफ्तारी आगामी 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से राजनीतिक संलिप्तता के संदेह के साथ सिक्किम के निवासियों के बीच सांप्रदायिक हिंसा और आतंक फैलाने की कथित भयावह घटना से जुड़ी हुई। वहीं विपक्षी पार्टी SDF ने उमा चामलिंग राय की गिरफ्तारी की निंदा की है। SDF प्रवक्ता योजना राय ने कहा कि वह बतौर पर्यटक यहां आई थी और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाना निंदनीय है। हेर्नुहोस्, उमा चामलिङ भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालको व्यक्ति, उहाँ चाहिँ यतानिर टुरिस्ट भएर उहाँ आउनुभएको, उहाँ एउटा ब्लगर हो है। अनि हाम्रो सिक्किमको पनि त जान्छ, अरू जग्गातिर जान्छ, नेपालतिर जान्छ, इन्डियाको धेरै भागतिर हामी पनि हाम्रो पनि ब्लगरहरू जान्छ है। तर आज नेपालबाट आएको हाम्रो ब्लगर बहिनी, हाम्रो राई चेलीलाई यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी सम्पूर्ण राई कम्युनिटी हामी अति नै हामीलाई एकदमै दुःख लागेको छ, अनि हामीलाई शरम पनि लागेको छ। किन भन्दाखेरि यसो नगर्नुपर्ने थियो, अनि उहाँलाई हामीले SDF पार्टीको प्रोग्राम भनेर उहाँलाई निम्त्याएको होइन, उहाँ त आफै घुम्दै आउनुभएको। अनि यहाँ उहाँ आउनुहुँदाखेरि चाहिँ ठिकै अब उहाँ आउनुभएको टाइममा चाहिँ हाम्रो साकेवाको पर्व हुनुको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउनुभएको थियो। अनि तपाईँहरूलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि उहाँ चाहिँ यहाँ मात्र आउनुहुनेवाला थिएन, तर उहाँ चाहिँ नाम्चीमा AKRS-ले अर्गनाइज गरेको साकेवामा पनि उहाँ जानुभएको, अनि यहाँ पनि उहाँ आउनुहुनेवाला थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले नेपालबाट साकेवाको लागि हामीले उहाँलाई इन्भिटेसन दिएको कदापि पनि होइन, उहाँ आफै घुम्न आउनुभएको थियो। अनि त्यति बेला नै हाम्रो साकेवाको पर्व पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले भिजिट गर्न चाहनुभएको थियो। अनि यो चाहिँ SDF को कुनै पनि प्रोपोगेन्डा यसमा कुनै पनि छैन। विशेष गरी हाम जेकब खालिङ सरले जुन उहाँले भन्नुभयो रको कुराहरू गर्नुहुँदै थियो है, अनि मलाई चाहिँ यो कुरा सुनेर चाहिँ एकदमै हाँस पनि उठ्यो, अनि अचम्मै लाग्यो। र चाहिँ उहाँको गोजीभित्रको कुरा जस्तै उहाँले सोच्नुभयो, यति साह्रो हल्का लिनुभयो रलाई है। अनि उहाँलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, बरु रले चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टिगेसन गर्दै होला यति बेला है, रले चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको जति पनि कामहरू छ त्यसको खोजी गर्दै होला यति बेला, तर उमा चामलिङलाई चाहिँ टेरोरिस्ट जस्तो उहाँले बनाउनु भएको छ है। अनि बरु भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफै नै सतर्क हुनुपर्ने, उहाँलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि विशेष गरी यदि उहाँले इनरलाइन पर्मिट लिनुभएको थिएन भने उहाँलाई कसरी चाहिँ छिरायो त, मल्ली चेकपोस्टबाट उहाँलाई कसरी छिरायो है। अनि फेरि उमा चामलिङले अगाडि भिडियोहरू हाल्नुभएको रहेछ, उहाँले चाहिँ म सिक्किम आउँदैछु भनेर अगाडि जानकारी दिनुभएको थियो। अनि यदि उहाँलाई चाहिँ टेरोरिस्ट जस्तो लाग्छ भने है, किनभने उहाँले रको कुराहरू गर्नुभयो है, अनि उहाँलाई टेरोरिस्ट जस्तो लाग्छ भने चाहिँ उमा चामलिङ आउँदैछ भनेर चाल पाउँदा नै उहाँहरूले अगाडि नै यो तयारी गर्नुपर्थ्यो, तर कसरी चाहिँ तयारी नगरिकन उहाँले भित्र छिर्नु दिनुभयो। अनि अहिले कसको गभर्मेन्ट छ सिक्किममा, SKM गभर्मेन्ट छ, अनि उहाँहरूले नै यो कुरामा खास सोच्नु पर्थ्यो। उहाँले नै यदि उहाँले इनरलाइन पर्मिट लिएको थिएन भने उहाँ त AKRS-ले अर्गनाइज गरेको नाम्चीको साकेवामा पनि त जहाँ मुख्यमन्त्री स्वयं जानुभएको थियो त्यहाँ पनि त उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूलाई केही प्रब्लम भएन। तर जब यहाँनिर हामी यो साकेवा सेलिब्रेसन कमिटीले आयोजन गर्न लागेको यो सेलेक्सनमा उहाँ आउनुहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो बाधा दियो, अनि उहाँलाई चाहिँ SDF-ले पठाएको SDF को प्रोपोगेन्डा भनेर जुन उहाँले यो कुरा भन्नुभयो यसलाई एकदमै हामी कन्डेम गर्छौँ।